माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज इनसाइडर्स को विंडोज 11 चलाने का मौका दिया है, जिससे ये पता चल सके कि इसमें कोई खामी तो नहीं है। अगर खामी निकलती है तो कंपनी उसे अपडेट के साथ ठीक करती है। विंडोज 11 सभी के लिए यानी इसका पब्लिक वर्जन कब उपलब्ध होगा, इसको लेकर नई जानकारी सामने आई है। कंपनी की ओर से हालांकि अभी तक ऑफिशियली इस चीज को लेकर कुछ नहीं कहा गया है, मगर खबरों की माने तो विंडोज 11 के लॉन्च को लेकर दो तारीखें बताई गई हैं। कंपनी ने अभी तक इस बात का हिंट नहीं दिया है, मगर द वर्ज की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि विंडोज 11 को अक्टूबर महीने में लॉन्च किया जा सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि विंडोज 11 लॉन्च को पेश करने के बाद कंपनी की ओर से जो ऑफिशियल प्रेस रिलीज जारी की गई है उसको उन लोगों ने स्टडी किया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि विंडोज 11 टास्क बार में दो इमेज को दिखाया गया था। इसमें एक डेट विंडोज 11 के पब्लिक लॉन्च को लेकर 6 अक्टूबर है, जबकि दूसरी डेट 20 अक्टूबर है। ये दोनों डेट अलग हैं, लेकिन महीना एक है जिससे कंपनी ने टारगेट किया है। इस रिपोर्ट पर फिलहाल माइक्रोसॉफ्ट की ओर से कोई रिएक्शन नहीं आया है, इसी वजह से अभी ये कहना मुश्किल है कि ये डेट फाइनल है या नहीं। अगर आप विंडोज 11 के फाइनल पब्लिक लॉन्च से पहले ट्राई करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। इसके लिए आपको विंडोज इनसाइडर्स के जरिए विंडोज 11 को डाउनलोड करना होगा। ये फिलहाल बीटा मोड में उपलब्ध है।